आप सबको अपने इस चैनल का स्वागत है। और आप सब जो देख रहे हैं रिजल्ट डेट के बारे में परेशान हो रहे हैं, रिजल्ट कब निकलेगा। और ओवरऑल सभी ने ये बताया कि 15 जुलाई को रिजल्ट निकलेगा क्लास 10 वाले बच्चे, लेकिन इस रिजल्ट पे आपको 15 जुलाई को निकलेगा। आपको देखिए हम यहाँ पर जो फैक्ट के साथ आपको बताऊंगा और अभी किस प्रकार से हमको बेस्ट ऑफ अदर टर्म में सफलता मिली है, वो पूरा डिटेल आपको मैं यहाँ पर शेयर करूंगा। स्टूडेंट्स वीडियो के साथ पूरी तरह बने रहिएगा, बगैर स्किप किए हुए वीडियो को देखेंगे तो पूरी डिटेल आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और बेस्ट ऑफ अदर टर्म्स के लिए हम लोग को एक बड़ी जो सफलता मिल रही है वो मैं आपको यहाँ पर शेयर करूंगा। तो गाइज पूरी तरह वीडियो साथ बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सही इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलता रहे। और एनसीईआरटी घर का लिंक दिया हुआ है जहां क्लास 9 से 12 तक सिर्फ स्टडी चल रहा है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है, पीडीएफ फाइल हो रहे हैं। सो स्टूडेंट्स आप इसका बेनिफिट उठाए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पढ़ाई वहां पर, सिर्फ स्टडी यानी एनसीईआरटी ऑनली स्टडी चैनल्स। जी हाँ स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं बात करूँ क्या अपडेट है वो पहले बता दो कि देखिए अब आपके रिजल्ट के बारे में जो 15 जुलाई को डेट बताया जा रहा है वह डेट आपका जो एक टेंटेटिव डेट है, ये सीबीएसई अभी सर्कुलर नहीं जारी किया है कि 15 जुलाई को होगा। लेकिन यहाँ पर एक बार मैं एक बात आपको कह दूँ कि उसी आर्टिकल्स का अगर आप रेफरेंस लोगे तो उसमें साफ साफ इस बात का मेंशन किया हुआ है कि आपका एक प्रोविजनल रिजल्ट तैयार होगा। देखो पहले रिजल्ट बनाने से पहले, पब्लिश होने से पहले एक प्रोविजनल रिजल्ट तैयार होता है जिसमें उसमें अभी क्योंकि यह जो बैच हमारा 2021-22 जो भी गुजरा है वो एक प्रैक्टिकल यहाँ पर हुआ है, उस प्रोविजनल रिजल्ट में आपको यह देखा जाएगा कि आपका वेटेज का क्या सिस्टम होगा। ये बहुत बड़ी सफलता है, उम्मीद करते हैं बेस्ट ऑफ अदर टर्म के लिए सीबीएसई भी अब सोचेगी और जरूर सोच रही है। ठीक है, तो रिजल्ट जो आएगा वो 22 से लेकर 28 जून के बीच में ही आएगा जो प्रोविजनल रिजल्ट बनेगा। लेकिन आपको रिजल्ट जो अगर आप बोलेगा मेरे हैंड में कब आएगा, वो 15 जुलाई से बिफोर यानी 10 जुलाई तक भी आ सकता है, वो टेंटेटिव डेट लास्ट डेट की तरह से वो बताया जा रहा 15 जुलाई। ये तो एक पिक्चर क्लियर होगी। दूसरी बात यहाँ देखिए, एक और बहुत बड़ी सफलता बेस्ट ऑफ अदर टर्म में हम लोगों को मिल रहा है उड़ीसा। ठीक है, देखिए अगर आप इसको अगर स्लाइड के फॉर्म में देखेंगे तो देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे बड़ी सफलता यह है। देखिए अब टाइम्स ऑफ इंडिया भी इस बात को उठा रही है कि स्टूडेंट्स फ्रॉम उड़ीसा ज्वाइन स्टिल ओवर सीबीएसई मार्क्स के लिए आंदोलित हो रहे हैं, यानी सोशल मीडिया पे उसको आंदोलित किया जा रहा है बच्चों को कि आप आंदोलित मतलब है कि ट्वीट कर रहे हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक दूसरा ट्वीट कर रहे हैं, हम सब ने ट्वीट किया है कि सीबीएसई बेस्ट ऑफ अदर टर्म्स के लिए माने। सो गाइज आपको भी ट्वीट करना है कल शाम 6 बजे यानी 19 जून को हम लोगों ने पूरी तरह से ट्वीट किया था और आप लोगों ने भरपूर सहयोग किया है, इसी तरह से सहयोग अभी बनाए रही है। बहुत ज़रूरी है बेस्ट ऑफ अदर टर्म्स, और मैंने इससे पहले भी आपको एक वीडियो दिया था जिसमें 37 टीक में होने में क्या नुकसान है और बेस्ट ऑफ अदर टर्म्स में क्या बेनिफिट है वो पूरा डिटेल दिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज़रूर देख लें। लेकिन अगर आप यूनाइट बनाए रखिएगा तो यकीन मानिए आपको सफलता मिलेगी, बेस्ट ऑफ अदर टर्म्स सीबीएसई हर हाल में करेगी। सो गाइज यूनाइट बनाए रहिए और ट्वीट को रीट्वीट करते रहे, ट्रेंडिंग में पूरा लेते रहे। अगर ये यकीन मानिए आप सच में बेस्ट ऑफ अदर टर्म्स अगर मानते कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि बेस्ट ऑफ अदर टर्म हो तो आपको 1 वीक अगर ट्विटर हैंडल में ये ट्वीट अगर ट्रेंडिंग में आ गया तो देखिए ये आपके बेस्ट ऑफ अदर टर्म्स हो जाएगा। सो गाइज उम्मीद करते हैं वीडियो को समझ में आया होगा, पूरी तरह से बात क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ और ट्वीट जरूर करो, रीट्वीट करते रहो। दूसरी बात यहाँ का एनसीईआरटी घर को आप जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन कर लो क्योंकि स्टडी चैनल वहाँ पर पूरी तरह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।